हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो वो हमने कर लिया था चैप्टर 8, जिसका नाम है आपका बॉडी मूवमेंट्स, शरीर में गति। तो हम ये लास्ट वीडियो में इसको हाफ लेसन की रीडिंग जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे गेट ऑफ एनिमल्स। हमने ह्यूमन बींग की जो चाल है, उनके शरीर में जो गति है, किस प्रकार से उनमें गतिविधियां होती रहती हैं, मसल्स क्या होती हैं, अस्थियां, उपास्थियां, कार्टिलेज क्या क्या होती हैं, ठीक है, सब हम स्केल्टन कैल्टन सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो वो कवर हो गया है। जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, 6th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर के वो चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में, जंतुओं की चाल के बारे में, कि जो जंतु हैं वो किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स, अर्थवर्म के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसको आप बोलेंगे कैचुआ। एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सोयल इन ए गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, नाउ इट इज इट डिफरेंट दैट ऑन पेपर, इन विच ऑफ द अबाउट टू सर्फेसिस डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव इजिली। आप क्या करेंगे, एक कैचुए की ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, उसको एक बार आप क्या करेंगे कि शाही या फिल्टर पेपर पर रख देंगे, जिससे जो है उसकी नीचे उस पर शाही लग जाए, इंक लग जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक कांच के टुकड़े पर या फिर एक टाइल पर चलने के लिए रख देंगे, ठीक है, और फिर उसको एक पेपर के ऊपर रख देंगे। तो आप दोनों में से ये फिर देखेंगे कि किस कौन से फ्लोर पर वो इजीली चल पा रहा है, ठीक है। आप ये ऑब्जर्व करेंगे, वो पेपर पर उसकी मूवमेंट अच्छी है या फिर स्मूथ ग्लास प्लेट पर उसकी मूवमेंट जो है वो अच्छी है। अर्थवर्म्स डज नॉट हैव बोन्स, जो अर्थवर्म्स होते हैं, केंचुए होते हैं, उनमें क्या नहीं होती बच्चे, बोन्स नहीं होती हैं, अस्थियां नहीं होती हैं। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड। ये क्या करते हैं, कैचुआ जो होता है, शरीर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सटा कर रखता है, उनके एक छल्ले जैसी सी उनकी जो बॉडी है वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। कैचुए में अस्थियां बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें पेशियां होती हैं जो शरीर को इनके घटने और बढ़ने में इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। और केचुआ किस तरीके से आगे बढ़ता है, वो क्या करता है, अपने शरीर के आगे के भाग को भूमि से क्या करता है, जकड़ के रखता है और फैलाता रहता है अपने शरीर को। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सोइल। और इसी प्रकार से वो कॉन्ट्रेक्शन करके और एक्सपेंशन करके आगे बढ़ता जाता है। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सोइल, द बॉडी सीक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। तो जो इसकी इसका जो शरीर है वो क्या देता है बच्चे, मिट्टी में एक सीक्रेट करता रहता है स्लिमी से सब्सटेंस को, ठीक है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, अंडर इट्स बॉडी इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रोजेक्टिंग आउट। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और जो इसके ब्रिस्टल्स होते हैं, शुक पेशियां जो होती हैं, ठीक है, बाल जैसी सी आकृति होती हैं, वो इसकी पेशियों से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और जो यही जो इसकी शुक पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी में जकड़ बनाने में उसकी हेल्प करती हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सोइल, और केचुआ क्या करता है, अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट इट्स, और अनडाइजेस्टेड जो इसका मटेरियल होता है वो उसको बाहर निकाल देता है अपने शरीर से। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और यही जो एक्टिविटी है, यही जो उसका शरीर का वेस्ट है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्नेल के बारे में, स्नेल को हिंदी में आप बोलेंगे घोंगा। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। आप क्या करेंगे, किसी घोंगे को देखेंगे और उसकी पीठ पर एक गोल टाइप की संरचना टाइप आप कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केल्टन ऑफ द स्नेल। ये इसका एक कवच है जो इसको इसका बाह्य कंकाल भी कहलाता है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये क्या है, अस्थियों का बना हुआ नहीं है।
दिस शेल इज ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग। ठीक है, ये जो है इसको चलने में कोई भी सहायता नहीं करता है, इनफैक्ट जो स्नेल होता है उसको ये वेट लगता है, इसको खींचना ही पड़ता है। ठीक है, ये इसकी कोई चलने में हेल्प नहीं करता। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग। केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनिथ। आप क्या करेंगे कि एक कांच पर इसको, ग्लास प्लेट पर इसको रखेंगे, और जब ये चलना स्टार्ट कर देता है तो आप क्या देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे की साइड ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑन एन ओपनिंग इन द शेल, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रोंग मसल्स। ठीक है, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, इसके कुछ पैर आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, मोटी सी मसल संरचना आपको बाहर आती हुई दिखाई देगी, इसी को इसके क्या बोलते हैं, पैर बोला जाता है। द थिक स्ट्रक्चर इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रोंग मसल्स, नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। ठीक है, तो आपके जो इसके फुट के हैं उनकी जो मूवमेंट है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू द अर्थवर्म। तो आप अब अपने आप से आपने ऑब्जर्वेशन किए तो आप ये देखेंगे कि जो स्पीड है वो अर्थवर्म की ज्यादा है या फिर स्नेल की ज्यादा है। अब हम देखेंगे कॉकरोच के बारे में, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं तिलचट्टा। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व ए कॉकरोच इन फिगर 8.20। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। ठीक है, कॉकरोच क्या कर सकते हैं, जमीन पर भी चल सकते हैं, दीवार पर भी चढ़ सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं। ठीक है, दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग, दीज हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केल्टन, दिस आउटर स्केल्टन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टूगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। इसकी तीन जोड़ी पैर होते हैं इसको जो चलने में हेल्प करते हैं। इसका जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है, वो एक बहुत ही हार्ड कंकाल से, स्केल्टन से बना हुआ है। ठीक है, देर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज नियर एंड लेग्स, मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव टू विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। ठीक है, इसके क्या होते हैं, दोनों ओर इसके पंख जुड़े हुए होते हैं। जब ये इसको संकरे रास्ते पर चलना होता है तो ये क्या करता है, चलता है, और जब इसको उड़ना होता है तो ये अपनी विंग्स की हेल्प से उड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वेंस आल्सो स्विम इन वॉटर। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज एज वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो बनाया ही कैसा गया है, उड़ने के लिए ही बनाया गया है। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पिचिंग। ठीक, उनकी जो अस्थियां हैं वो वायु के प्रकोष्ठी होती हैं, उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। ठीक है, जिस वजह से वो क्या कर पाते हैं, उड़ जाते हैं। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर्क लाइंस आर मॉडिफाइड एज विंग्स, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रोंग, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनकी जो अस्थियां हैं वो उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखती हैं और उनको एक स्पेसिफिक तरीके से अपने अकॉर्डिंग काम करना होता है, जिससे वो पंखों को ऊपर नीचे करने में उनकी हेल्प करती हैं और जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे फिश के बारे में, एक्टिविटी 8 की हेल्प से। फिश, मछली, मेक ए पेपर बोट, पुट इट इन वॉटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिड इट गो इन टू द वॉटर इजिली। आप क्या करेंगे, एक पेपर से नाव बनाएंगे और उसको एक जो हिस्सा उसका नुकीला होगा उसको आगे की ओर आप धकेल देंगे। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन टू द वॉटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब आप क्या करेंगे, ब्रॉड साइड से इसको पानी के अंदर धकेलेंगे। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वॉटर वेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। तो कौन सा आपको ये लगता है कि इजिली जो है वॉटर के अंदर फ्लो कर पा रही है आपकी नाव। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समहाउ समवट लाइक ए फिश। जो आपकी आप पेपर से बोट बनाते हो या फिर रियल बोट जो होती है उसकी जो
स्ट्रक्चर है कैसी है, बिल्कुल फिश के जैसी है, आगे से और पीछे से नुकीला और बीच से ब्रॉड, ठीक है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और इसी बॉडी शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन, धारा रेखीय, जो आगे से और पीछे से पतला और नुकीला होता है और बीच से कैसा होता है, मोटा सिरा होता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो किसकी होती है, फिश की और नाव की। द शेप इज सच दैट वॉटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलो द फिश टू मूव इन वॉटर। और यही उनकी शेप है, जो रीजन है, इनकी शेप ही है जो इनको इजिली मूव करने में हेल्प करते हैं वॉटर के अंदर। द स्केल्टन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो इसका कंकाल है फिश का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से क्या होता है, कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवार्ड्स द अपोजिट साइड। द फिश फॉर्म्स ए कर्व्स एज शोन इन फिगर 8.24, यहाँ आपको जो दिखाया गया है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व द अदर साइड, दिस मेक्स ए जग एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इसी तरीके से क्या करते हैं वो, जग मेक करते हैं और फिर पुश करते हैं बॉडी को फॉरवर्ड। इस सीरीज ऑफ सच जग्स मेक ए फिश स्विम अहेड, और यही जो जग्स हैं वो उसको क्या कर देते हैं, आगे बढ़ने के लिए, आगे तैरने के लिए हेल्प करते हैं। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, और जो टेल में जो फिन्स होते हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। फिन्स होते हैं इनकी पूंछ पर, आपने देखे होंगे पंख लगे हुए होते हैं मछली के पीछे। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑफ देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शंस वाइल स्विमिंग, ठीक है। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वॉटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन दिस ऑन ही देयर फिट टू हेल्प देम मूव इजिली इन वॉटर। जो गोताखोर होते हैं उनको आप नोट कीजिएगा, वो क्या करते हैं, एक विशेष तरीके के फ्लिपर्स पहनते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है, मछली के फिन्स के जैसी, जो उनको मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम रीड करेंगे हाउ डू स्नेक मूव, सांप जो है वो कैसे चलता है। हैव यू सीन ए स्नेक स्लिदर, डज इट मूव स्ट्रेट, क्या आपने कभी किसी सांप को फिसलते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है, क्या ये सीधा चलता है। स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। जो सांप है उसका जो मेरुदंड है वो बहुत ही लंबा होता है, और शरीर की पेशियां जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, और वो परस्पर क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आपस से वो भले ही दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या है, आपस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्टेड टू बैकबोन, रिब एंड स्किन, जो उनकी मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, वो उनके मेरुदंड से, पसलियों से और त्वचा, सभी जो है सांप का एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, सांप एक तरीके से मुड़ता हुआ जाता है, ठीक है, और यही जो इसका मुड़ने का तरीका है, इसका जो वलय है, वही उसको आगे की ओर धकेलता है, और इसका शरीर लंबा है, इस वजह से इसमें बहुत सारे कर्व्स बनते हैं, और यही जो हर एक कर्व है वो उसको आगे बढ़ने में और उसकी स्पीड को बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, पहेली एंड बुजू हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर। ये स्नैक की फिगर आप देख सकते हैं, मूवमेंट इन स्नैक माइंड्स। तो पहेली और बुझो ने क्या किया कि उन्होंने बहुत चीजों की स्पीड को देख लिया, उनके उड़ने का तरीका, चलने का, तैरने का, सब तरीकों के बारे में जान लिया, अब भी उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा उनके माइंड में घूम रहे हैं। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चन, वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट दे हैव टू डू एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, वट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसिस इन दीज बॉडी पार्ट बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, हाउ मेनी बॉडी पार्ट आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक फिलोसफर हैं अरस्तु, उन्होंने भी, उनकी एक बुक है गेट ऑफ एनिमल्स, उसके बारे में उन्होंने खुद भी बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए, इसी तरीके क्यों विभिन्न प्रकार के इनकी बॉडी पार्ट्स होते हैं,
ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इनकी शारीरिक अंगों में समानताएं क्या है, डिफरेंसेस क्या है, चलने के लिए कितने इनके बॉडी पार्ट्स की इनको जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने जानने की बहुत कोशिश की है उनकी बुक में, गेट ऑफ एनिमल्स में। व्हाई टू लेग्स ऑफ वुमेन्स एंड फोर फोर काउज एंड बफेलोज, मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, व्हाई व्हाई इज द बेंडिंग ऑफ यू अवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर अवर आर्म, सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक फॉर सम आंसर थ्रू द अवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, ठीक है। तो जो अरस्तु हैं, जो फिलोसफर हैं बहुत बड़े, उनको भी क्यूरियसिटी थी इन सब क्वेश्चंस को जानने में, ठीक है, जो पहेली और बुझो के माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 8, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। अब इसकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट, ये 2 पार्ट्स में आपको मिलेगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, आप दोनों को देख लीजिएगा। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अपने साथ पढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करें वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको कोई परेशानी रह जाती, कुछ समझ नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच।